नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ इस समय संजय सारस्वत जी मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। आज हम इंदिरा गांधी स्टेडियम में हैं जहां पे ऑल इंडिया साई इंटर साई ताइक्वांडो चैंपियनशिप चल रही है। अपना कोरियन अम्बेसी के सहयोग से यहां इवेंट हो रहा है और ये पहले भी दो तीन बार हो चुका है। हम संजय जी से पूछते हैं, थोड़ा सी इस इवेंट के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। सर, क्या है थोड़ा सा इवेंट की जानकारी? मैं ये बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उसमें बहुत सारे गेम्स को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, उसमें से ताइक्वांडो भी एक है। तो अभी 21 सेंटर्स हैं जहाँ पे हमारे ताइक्वांडो के बच्चे सीख रहे हैं और उसमें करीब 450 बच्चे सीख रहे होते हैं। और वो एक जब उनको सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो नॉर्मली वो स्टेट लेवल या उससे ऊपर के खिलाड़ी होते हैं। तो और हमारे यहाँ जो भी ट्रेनिंग में सेंटर्स में आए हैं वो सारे ट्रेनिंग सेंटर्स के बच्चे हैं, एक्सटेंशन सेंटर्स के हैं, आर्मी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी के बच्चे हैं और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस के भी बच्चे इसमें आए हुए हैं। हम ये मान के चलते हैं कि एक काफ़ी अच्छे स्तर के बच्चों का के बीच में एक कॉम्पिटिशन हो रहा है। और इसमें दो इवेंट है, एक पूमसे है जिसमें कोरियन कल्चर सेंटर के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करीब 100 के आसपास बच्चे हुए हैं। और क्योरिगी इवेंट में हम लोग कैडेट में, जूनियर में और सीनियर वेट कैटेगरीज में, मैन वीमेन कैटेगरीज में कॉम्पिटिशन करा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि बच्चों को जो बीच में कोविड काल में कंपटीशन एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा था, तो इस बीच में जो उनको वो कॉम्पटिशन्स मिस कर रहे थे वो चीज़ें इस तरह के कॉम्पटिशन से उनको उनका फ़ायदा उनको मिलेगा। कोरियन कल्चर सेंटर का इसमें सहयोग है, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन हो रहा है साई में या कोरियन सेंटर? मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरियन कल्चर सेंटर में कोरिया की जो उनकी अपनी कल्चर है, आर्ट है, लैंग्वेज है, तो वहाँ का जो एक ट्रेडिशनल गेम है और आज जो एक मैं कहूँगा कि ओलंपिक इवेंट है 2000 सिडनी ओलंपिक से और 86 एशियन गेम्स से, तो उसको लगातार प्रमोट कर रहे होते हैं। और मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि कोरिया ताइक्वांडो में लगातार अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन से ओलंपिक में, एशियन गेम्स में अपनी जगह बनाए हुए हैं। और उनके कोचेस के साथ और कोरियन कल्चर सेंटर के साथ मिलके ये इवेंट इस तरह के, हम ये तीसरा इवेंट है। पहले हम लोगों ने 2016-17 में एक इवेंट किया था, दोबारा हम लोगों 17-18-19 में ये इवेंट किया और अभी दोबारा इवेंट हो रहा है। इस पर्टिकुलर इवेंट की मैं ये कहूँगा इम्पोर्टेंस ये है कि ये 2023 जो है वो हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं 50th ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कोरिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मैं कहूँगा कि साल है दोनों ही देशों के लिए, जहाँ इंडिया एक लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, वहीं कोरियन कल्चर और जो उनकी बिजनेस हाउसेज हैं और स्पोर्ट्स में जिस तरह से वो आगे हैं, तो ये एक छोटा देश होने के बावजूद उनकी अपनी विश्व में अलग पहचान है। भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और बहुत सारे पोटेंशियल हैं और हमें कई जगह आगे बढ़ने की हमसे उम्मीद भी की जाती है और हमें कुछ क्षेत्रों में अपना प्रदर्शन और बेहतर करने की आवश्यकता है। तो इस क्षेत्र में जो सहयोग हमें कोरियन कल्चर सेंटर से लगातार मिलता रहा है, ना सिर्फ टेक्निकल नो हाउ की तरह से, उनके कोच हैं मिस्टर मास्टरली, वो भी लगातार हम लोगों से कोऑर्डिनेट करते रहे हैं, हमारे कोचेस के अपग्रेडेशन के प्रोग्राम, उनके लिए रेफरी कोर्सेज वगैरह भी उन्होंने पीछे कराए हैं। और अब जो टूर्नामेंट हो रहे हैं, इस तरह के पहले जो टूर्नामेंट हुए उसमें भी जो विजेता खिलाड़ी थे उनको कोरिया में करीब एक महीने का फ्री ट्रेनिंग और जो वहाँ कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। और मुझे कहने में भी कोई वो नहीं है कि जो असेसमेंट हुआ कोरिया में हमारे खिलाड़ियों का, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बच्चों में बहुत टैलेंट है और इनको अच्छी ट्रेनिंग कराने से हम लोग बहुत बहुत बेहतर प्रदर्शन की इनसे उम्मीद की जा सकती है। तो इस दशा में ये एक प्रयास है और मैं यही कहूँगा कि इस अवसर पे जो प्रेसिडेंट हैं कोरियन नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के, वो भी आए हुए थे और ये हम उम्मीद करते हैं कि हम उनके साथ कोरियन कल्चर सेंटर के बीच में माध्यम से जो हमारी स्कीम्स हैं, उनके खिलाड़ी हैं, प्रशिक्षक हैं, उनके बीच में लगातार उनको और आगे बेहतर प्रशिक्षण के लिए जो हमारे बीच में एक मैं कहूँगा म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ प्लेयर्स, स्टाफ, कोचेस और जो हमारे स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं उनके बीच का जो एक्सचेंज है, उससे हमें भी फ़ायदा मिलेगा डेफिनेटली। और उनको भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इस हमारे सहयोग से या हमारा जो सामंजस्य होगा उससे उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो यहाँ के जो विनर्स हैं उनको या तो कोई उनकी तरफ से कोई ट्रेनिंग, फर्दर ट्रेनिंग जो है वो एडवांस लेवल की ट्रेनिंग करवाएंगे, या ये बच्चे वहाँ जाके कुछ करने वाले, इस तरह का कुछ प्लान है? मैं ये कहूँगा कि देखिए, हम लोगों का एक पर्टिकुलर लेवल पर डायलॉग हुआ है और उसमें इस तरह की चीज़ें डिस्कस हुई हैं, बट कुछ चीज़ें जब तक फॉर्मलाइज नहीं हो जाती हैं, हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो जाती है, तब तक उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा। बट हाँ, हमारा ये डेफिनेटली डिस्कस हुआ है कि जो बच्चे हमारे टैलेंटेड हैं
उनको कोरिया में प्रशिक्षण मिले और वो बेहतर आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए बेहतर ढंग से तैयारी कर सके। ये बच्चे खाली साई के हैं। जब हम राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वश्रेष्ठ बच्चे हों उनकी ट्रेनिंग उस ढंग से हो कि जब वो एशियन गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप या वर्ल्ड चैम्पियनशिप जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स में जाएँ तो बेहतर प्रदर्शन करें और मेडल लाएँ, अपने देश का गौरव बढ़ाएँ, ये हम उम्मीद करते हैं। तो इसमें किसी फेडरेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, साई जो है वो अपने लेवल पे ये सब एफर्ट्स कर रही है। देखिए, मैं फेडरेशन से एक बात ये कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मेन काम जो है वो खिलाड़ी किसी भी संस्था के हों, कहीं किसी भी प्रदेश के हों, अगर वो टैलेंटेड हैं और वो हमें लगता है कि हमें उनको प्रशिक्षण देने के लिए चुना गया है तो हम प्रशिक्षण देते हैं। सेम कहाँ जो बात है वो नेशनल खिलाड़ियों के लिए भी है। जब नेशनल कैंप होते हैं उसमें कॉमन सिलेक्शन ट्रायल होते हैं, उसमें किसी संघ का या किस संघ से हैं उस बात का कोई विशेष महत्व नहीं है। खिलाड़ी श्रेष्ठ हैं और वो श्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुन के बाद उनको तैयारी करा के हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भेजने की तैयारी कर सकते हैं। आगे भेजने का काम एक ओलंपिक चार्टर के तहत होता है, उसमें किस तरह से वो बात होगी उसका मैं अभी से कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हमारा मेन मकसद जो है वो ये है कि हम अच्छे खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयारी करा सकें। हमारा मेन काम ट्रेनिंग कराने का है तो हम उस पर ही फोकस करेंगे। सर, आप साई के सीनियर ऑफिसर हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि अगर बच्चे साई में आना चाहें या किस तरीके से बच्चे साई के साथ जुड़ सकते हैं, वो किसी भी फेडरेशन से हों, उनसे अगर हट के हम बात करें तो किस तरीके से ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर क्या है? मैं देखिए ताइक्वांडो से हट के ये बात करना चाहूँगा क्योंकि आपने मुझसे कहा है कि मैं भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। हम करीब 20-22 खेलों में जिनमें हमें लगता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने की उम्मीद है, अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है, उन पर फोकस कर रहे होते हैं। जो ट्रेनिंग हो रही होती है वो सब जूनियर जूनियर लेवल पे शुरुआत होती है और अलग अलग सेंटर्स की अलग अलग स्कीम्स हैं। जैसे मैं कहूँ कि अगर भारतीय खेल प्राधिकरण का जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जैसे साइड ट्रेनिंग सेंटर्स बोलते हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के चैंपियंस, स्टेट लेवल के चैंपियंस और उससे ऊपर जो बच्चे खेल चुके हैं उनको प्रतिभा आकलन के लिए बुलाया जाता है। उनकी एज का परीक्षण किया जाता है, हम एज असेसमेंट करते हैं, मेडिकल असेसमेंट करते हैं और अगर उनका प्रतिभा और उनकी एज और मेडिकल असेसमेंट वो सही पाए जाते हैं तो उनको हम अपनी जो विभिन्न स्कीमें हैं उनमें हम उनको प्रशिक्षण देने के लिए ऑफर देते हैं। उनमें हमें उनका जिस तरह की स्कीम है, जैसे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस में अगर मैं कहूँ तो खिलाड़ियों को रहना खाना, इंश्योरेंस, किट, कंपटीशन एक्सपोजर, बाहर जो कंपटीशन एक्सपोजर होता है वो भी, वो सभी चीज़ें हम बियर करते हैं और उनका हर तरह से मैं कहूँगा कि जो उनकी डाइट से लेके रिकवरी तक पे हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। जो साइड ट्रेनिंग सेंटर की स्कीम है जिसमें जूनियर सब जूनियर लेवल के बच्चे ज़्यादा होते हैं, वो हमारे वो सेंटर्स हैं जिसमें मूलभूत सुविधाएँ होती हैं और उसमें स्टेट लेवल के या स्टेट से ऊपर जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनके लिए हम प्रशिक्षण दे रहे होते हैं, तो उसमें हमारे कोचेज हैं और लगातार ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे मैं ये कहूँगा कि जो साइड ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके बच्चे जब अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं या नेशनल लेवल पर आ जाते हैं तो वो हमारी जो NCOE नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्कीम है उसके पात्र बन जाते हैं और उसके लिए फिर उनको बेहतर सुविधाएँ मिलती हैं। नॉर्मली जो हम नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहते हैं वो जूनियर नेशनल कैंप का कंटिन्यूएशन है। पहले कैंप होते थे और कॉम्पिटिशन से रिलेटेड होते थे कि 1-1.5 महीने पहले हम लोग तैयारी शुरू करते हैं और कॉम्पिटिशन में चले जाते हैं। वो इतनी लंबी तैयारी किसी भी बड़े कॉम्पिटिशन के लिए मैं कहूँगा कि सफिशियंट नहीं है। तो जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्कीम है उसमें जूनियर लेवल के बच्चों को हम लगातार पूरे साल ट्रेनिंग देते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि जब भी कोई कॉम्पिटिशन आएगा तो वो तैयार होंगे और फौरन देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार होंगे। बहुत सारे बच्चे स्पेशली अगर हम कहें शहरों में तो अवेयर हैं, बट गांव में और देहात छोटी जगह पे अगर देखें तो उन बच्चों को पता नहीं लगता है कि साई सेंटर्स के जो सिलेक्शन है कब होते हैं, कैसे होते हैं, क्या टाइमिंग्स रहते हैं। और इससे थोड़ा सा अगर मैं हट के भी बात करूं तो खेलो इंडिया में भी यही है कि बच्चे हमारे साथ, बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे इंक्वायरी करते हैं कि खेलो इंडिया के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है, तो थोड़ी जानकारी उसके बारे में, कोई पर्टिकुलर टाइम होता है उसका, पर्टिकुलर वेबसाइट है, क्या है? मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत समुचित बात कही है कि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम लोगों को भारतीय खेल प्राधिकरण की स्कीमों का लाभ कैसे मिले इस बारे में ठीक से पता नहीं चलता है। तो मैं कहूँगा कि साइड ट्रेनिंग सेंटर्स करीब 67 सेंटर्स हैं ट्राई साइड ट्रेनिंग ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग गेम्स में प्रशिक्षण देते हैं और उनको हम लोकल कैचमेंट एरिया मान के उनके जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, स्टेट स्पोर्ट्स बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट है तो हम ये मान के जाते हैं कि ब्रॉडबेसिंग का काम
हर ज़िले में या हर ब्लॉक स्तर पे जो ब्रॉड बेसिंग का काम है, मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का काम है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को करना है। और हमारे जहाँ सेंटर्स हैं उनका हम एडवर्टीज़मेंट निकालते हैं, सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी न्यूज़ देते हैं, कई बार हम लोग एडवर्टीज़मेंट भी देते हैं। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि देश के हर कोने में हमारी न्यूज़ पहुँचती हो सकता है इसमें और बेहतरी की हमसे उम्मीद की जा सकती है। बट मुझे लगता है जब से इंटरनेट और सोशल मीडिया इस तरह की चीज़ें बढ़ी हैं तो हम लोगों की जो मैसेज इन्फॉर्मेशन है वो भी पहले से बढ़ा। अभी व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी नॉन चैनल्स हैं, यूट्यूब वगैरह है, उस पर भी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी स्कीम्स के बारे में पता चले। खेलो इंडिया के बारे में भी यही कहूँगा कि खेलो इंडिया भारत सरकार द्वारा चलाई गई वो महत्वपूर्ण स्कीम है जिसमें बहुत छोटे लेवल से स्कूल जाने वाले बच्चों को, यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जब वो पहुंचेंगे तो किस तरह का एक्सपीरियंस उन्हें मिलेगा, वो एक्सपीरियंस उनको इन कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से मिलता है। उनको रहने खाने की सुविधा उसी स्तर की दी जाती है जो हमारे नेशनल गेम्स में मिलती हैं, या बच्चे अगर बाहर जाएंगे तो उनको उस तरह की सुविधाएँ देखने को मिलेगी। सभी चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक TSR जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, फेयर जजमेंट हो, असेसमेंट हो, और हमारी टीम्स जाती हैं जो नेशनल स्पेशली कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी जाती हैं और वहाँ भी हम लोग प्रतिभा वाली जो खिलाड़ी हैं उनका चयन करते रहते हैं। और हमारी खेलो इंडिया में ही एक खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डिवीज़न है जो महत्वपूर्ण कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं। नेशनल लेवल पर जो टूर्नामेंट हुए हैं उसमें शुरुआती जो मैं कहूँगा 8 बच्चे 10 बच्चे उनके नाम और उनका नंबर और वो सब लेके रखते हैं, और जो खेलो इंडिया कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी जो बच्चे प्रतिभाग कर रहे होते हैं उनकी भी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन लगातार होती रहती है, और जिनका चयन होता है उनको भारतीय खेल प्राधिकरण के जो उनके अपने चुने हुए सेंटर्स हैं, मतलब ये नहीं कि हम जिसको चाहें भेजना चाहते हैं, उनको हम ऑप्शन देते हैं कि भाई आपको जिस सेंटर में जाना हो अगर वहाँ सीट उपलब्ध है तो वहाँ पे जाके अपनी चॉइस के अनुसार ट्रेनिंग कर सकते हैं। उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है जो कि काफ़ी अच्छी मैं कहूँगा कि राशि उनको दी जाती है, जिससे वो कई जगह ऐसा सुनने में आता है कि माँ बाप जो अभिभावक हैं वो फाइनेंशियली बहुत साउंड नहीं है और बच्चा भी उनकी फाइनेंशियल हेल्प कर रहा होता है, तो ऐसे स्थिति में कि बच्चे का जो ट्रेनिंग का बर्डन है वो हट जाए और उसको एक मैं कहूँगा कि स्कॉलरशिप भी मिल रही हो तो ये बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट इस बात का मिलता है। मैं एक नाम लेना चाहूँगा जो मेरे सेंटर की लड़की है और माटना देवी, वो मणिपुर से है, उसके पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, और उसका जब हम लोगों ने चयन किया तो हमें उम्मीद नहीं थी, 2019 में हमारे पास आई थी। अब उसको मणिपुर से ज़्यादा लखनऊ का सेंटर अच्छा लगता है, और मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने उसका नाम लिया क्योंकि उसने पिछले साल 32 रिकॉर्ड बनाए वेटलिफ्टिंग में, अभी भी खेलो इंडिया कॉम्पिटिशन्स में गई थी तो उसने 12 रिकॉर्ड बनाए हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले ओलंपिक्स में 28-32 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी और श्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो परिवर्तन है जो हम शायद 2019-20 से ज़्यादा देख पा रहे हैं, कोविड पीरियड में काफ़ी प्लानिंग हुई है और एक अप्रोच में फ़र्क ये हुआ है कि हम मान के चलते हैं कि सारी स्कीम्स के लिए सारे जो हमारा परिवेश है उसका जो सेंटर है वो एथलीट है, बाकी सब चीज़ें गौण हैं, तो उसकी सुविधा, उसका रखरखाव, उनको जो एक एथलीट एक्सपीरियंस है, उसको एक सुरक्षा जो मिलनी चाहिए वो सब चीज़ें हम उसको मुहैया कराएं जिससे वो जब ट्रेनिंग कर रहा हो तो उसको ये चिंता ना करनी पड़े कि मेरी किटिंग का कैसे होगा, कल मुझे अगर कॉम्पिटिशन जाना पड़ता है तो कौन मेरा खर्चा उठाएगा। तो हम जब सेंटर ऑफ एक्सलेंस में जो बच्चा जाता है तो उसकी हम फिजियोथेरेपी, रिकवरी, मेडिसिन, इंश्योरेंस, इनफैक्ट मेडिकल इंश्योरेंस उनका 5 लाख रुपए का करते हैं और 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है, तो एक बहुत बड़ी राशि, एक सुरक्षा उनको मिलती है। और हम उम्मीद करते हैं कि उनके पेरेंट्स आके देखें जहां वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जो ट्रेनिंग सुविधाएँ हैं वो मैं इतना कह सकता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सुविधाएँ बच्चे जाके देखते हैं कई बार उनसे और बेहतर सुविधाएँ हम उनको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये फीडबैक भी हमें बच्चों से या प्रशिक्षकों से जब वो बाहर जाते हैं लौट के आते हैं उनसे मिलता है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि बच्चे उन्हीं परिस्थितियों में ट्रेनिंग कर रहे होंगे जब वो बाहर कंपटीशन के लिए जाएंगे तो उनको ये नहीं लगेगा कि मैं कैसे एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो मुझे लगता है कि वो अपना नेचुरल प्रदर्शन वहाँ करके और देश का नाम रोशन कर पा रहे होंगे। जैसे आपने कहा कि नेशनल से आप बच्चों को पिक करते हैं, तो हमने देखा आज ऑलमोस्ट हर गेम में 2-2, 3-3 फेडरेशंस हैं, डिस्प्यूट है, तो वो जो आप जो मिनिस्ट्री से रिकॉग्नाइज फेडरेशंस के ही आप बच्चे पिक करते हैं या रैंडमली आप कहीं भी किसी भी नेशनल में? देखिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है वो इंटरनेशनल ओलंपिक चार्टर के हिसाब से चलता है,
तो सभी खेलों में एक जो रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन होती है वो आईओए से भी चयनित होती है, उसको रिकॉग्निशन मिलता है, और मिनिस्ट्री भी उन सब चीज़ों को देखते हुए कि स्पोर्ट्स कोड, स्पोर्ट्स बिल में जो चीज़ें लिखी गई हैं ट्रांसपेरेंट ढंग से फेडरेशन चल रही है, जो एक स्पोर्ट्स कोड में जो प्रोविजन दिए हैं उनका अगर फॉलो हो रहा है तो मंत्रालय हर साल उनका एफिलिएशन जो है वो देखती है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण वो है, क्योंकि हम उन्हीं फेडरेशंस को सपोर्ट कर पा रहे होते हैं जो मंत्रालय के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, आईओए के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं। और जो भी खेल हैं उसमें अलग अलग खेल होते हैं, ओलंपिक्स में अलग खेल होते हैं, एशियन गेम्स में जो खेल हैं वो अलग होते हैं, कॉमनवेल्थ में अलग तरह के खेल होते हैं। तो सभी तरह के खेलों में जहाँ जहाँ मैं कहूँगा कि अनडिस्प्यूटेड फेडरेशन हैं वहाँ अच्छा काम हो रहा है, और जहाँ पर नहीं हुआ है हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी फेडरेशन अपने कार्य करने की प्रणाली में पारदर्शिता लाते हुए खिलाड़ियों के हित में काम कर रहे होंगे या करेंगे भी। उनके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, बट वो धीरे धीरे कई बार कोर्ट से, कई बार आर्बिट्रेटर के माध्यम से और उनको सुलझाया जाता है, और सुलझाते हैं, खुद भी इस बात को जिम्मेदारी समझते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें धीरे धीरे और अच्छे बेहतर ढंग से डील होंगी और खिलाड़ी को उसका पूरा लाभ मिलेगा। मैं वापस ताइक्वांडो की तरफ चलता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है आप लगभग शायद आप खुद ताइक्वांडो प्लेयर हैं, ब्लैक बेल्ट रहे हैं, और कुछ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 82-84 में मेरा ख्याल आप ताइक्वांडो ज्वाइन किया था आपने, और आज स्पोर्ट्स अथॉरिटी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं। तो क्या मोटिवेशन आप बच्चों को, आप अपने आप में एक मोटिवेशन है, क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों को? देखिए, मैं ये कहूँगा कि मेरा जो भी बचपन रहा होगा उसमें जो परिस्थितियाँ बनी उसमें और खेलों को छोड़ के मैंने ताइक्वांडो क्यों चुना, ये एक अपने आप में मैं कहूँगा कि, और शायद हर इंडिविजुअल के साथ ये एक्सपीरियंस हो सकता है कि कोई खेल, कोई एक्टिविटी, चाहे वो किसी के लिए डांस हो सकती है, किसी के लिए पेंटिंग हो सकता है, किसी के लिए सॉकर हो सकता है, किसी के लिए क्रिकेट हो सकता है। मुझे ताइक्वांडो पसंद आया और वो ताइक्वांडो मेरा ऐसा पैशन बना कि मैं उसको आज तक छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं ये भी कहूँगा कि जो कुछ ताइक्वांडो के ट्रेनिंग के दौरान मैंने सीखा वो शायद अभी तक मेरा साथ दे रहा है, और शायद यही वजह है कि मैं अपने उस पैशन को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। कहीं भी, जहाँ भी मुझे लगता है कि मैं खिलाड़ियों के बेहतर हित के लिए, खेल को आगे बढ़ाने के लिए, जिस किसी से भी जिसमें देश के लिए प्रतिष्ठित काम हो सके उसमें जुड़ने की बात हो, तो मुझे लगता है कि मैं जिस खेल ने मुझे इतना दिया है उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। आप जो कह रहे हैं, मैंने 78 में हाई स्कूल एग्ज़ाम के बाद ताइक्वांडो शुरू किया था, और बाई चांस मेरे कॉम्पिटिशन जब होते थे तो नॉर्मली एग्ज़ाम टाइम होता था। फर्स्ट कॉम्पिटिशन जब मेरा था वो 82 में, तब भी मेरे एग्ज़ाम हुए थे और उसके 5 या 6 दिन बाद ही कंपटीशन था, लखनऊ में ही कंपटीशन था। तो मैं 82 में सिल्वर मेडल था ओपन कैटेगरी में, और 89 तक मैं लगातार नेशनल मेडल जीतता रहा, गोल्ड मेडल जीतता रहा, एशियन जो नेशनल गेम्स थे दिल्ली वाले, और फिर उसके बाद पुणे में, उसमें भी गोल्ड मेडल था, और मैंने भारत का प्रतिनिधित्व 6th, 7th और 8th एशियन चैम्पियनशिप में किया। और मैं यही कह सकता हूँ कि जो खिलाड़ियों को परेशानियाँ आती हैं, लास्ट मोमेंट में पता चलता है रिजर्वेशन ठीक से नहीं मिल रहा होता है, रहने की सुविधा जहाँ हम जा रहे होते हैं वहाँ से ठीक नहीं हो रही होती है, और तरह का भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, तो मुझे मालूम है कि खिलाड़ी को क्या तकलीफ़ हो सकती है। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि वो खिलाड़ी जो भी आज ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको वो सब तकलीफें नहीं हों, और वो अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन, पूरा ध्यान अपने ट्रेनिंग पर दें, तो मेरे लिए वही एक सेटिस्फेक्शन की बात हो सकती है। आप स्टूडेंट टाइम से इस ताइक्वांडो में हैं, खेलों में रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को प्रेफर करते हैं कि नहीं आप स्टडीज़ में ज़्यादा ध्यान दो, खेलों से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, उन पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि सभी पेरेंट्स को ये समझने की आवश्यकता है कि खेल पढ़ाई में रुकावट नहीं है। शायद खेल खेलने वाला और अच्छा खेलने वाला, मतलब एक तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई अच्छा खिलाड़ी है तो खेलों में अच्छा खेलने के साथ साथ वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा कर सकता है। सिर्फ फ़र्क कहाँ जाता है कि हम जब खेलों में ध्यान दे रहे होते हैं तो पढ़ाई पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, या हमारे परिपेक्ष ऐसा हो जाता है कि हम खेल होने के बाद, ख़त्म करने के बाद उसी सोसाइटी में मूव करते रहते हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर हम दो चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं तो जो अच्छा खिलाड़ी है वो खेलों में भी अच्छा होगा, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों के नाम बता सकता हूँ जो ऑल इंडिया लेवल पे मेडलिस्ट रहे या इंटरनेशनल में भी गए, और साथ में बहुत अच्छा पढ़ाई करके बहुत अच्छी जॉब्स भी करी। एक एग्जांपल जो मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा, क्रोएशिया में जब सॉकर में वर्ल्ड चैम्पियन बने वो लोग, तो उनकी सारी टीम
पार्ट टाइम खेलने वाली थी वो प्रोफेशनल्स थे, और कोई डॉक्टर था, कोई प्रोफेसर था, कोई इंजीनियर था, कोई सीए था, और वो लोग पार्ट टाइम खेलते थे, तो वो सब बहुत प्रोफेशनल थे। और शायद वेस्टर्न कंट्री की तरफ अगर हम देखें तो वहाँ पे जो भी लोग खिलाड़ी हैं वो साथ साथ कोई ना कोई प्रोफेशनल काम और पढ़ाई साथ साथ कर रहे हैं, और उनके लिए ये स्वस्थ रहने की, अच्छे जीवन जीने की, लंबे समय तक स्वस्थ रह के एंजॉय कर पाने का एक तरीका है। हम लोगों को शायद इस चीज़ में और बेहतर ढंग से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि हम इसको वेस्टफुल एक्टिविटी ना माने, हम इसको प्रॉपर चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी समझें। और अगर हम अपने माइंड को डिसिप्लिन करते हैं, बॉडी को डिसिप्लिन करते हैं, तो फोकस करने की जो क्षमता बढ़ती है, बहुत देर तक अपने आप को हम किसी भी स्ट्रेनस एक्टिविटी के लिए तैयार करते हैं, हार से कैसे उभरना है उसको सीखते हैं। कोई खिलाड़ी लगातार जीतता नहीं है, तो जो ये सीख जो है शायद वो और जो क्षेत्र हैं उनमें नहीं मिलती है। कई बच्चे फेल हो सकते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर वो खेलों से जुड़े रहें तो जो हैप्पी हार्मोन्स हैं जो बॉडी को फाइट करना सिखाते हैं, वो सब चीज़ें उनको जो टफ टाइम्स हैं लाइफ के उसके लिए बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, आप सीनियर ऑफिसर हैं साई में, आने वाले 5 सालों में आप भारत को जो है स्पोर्ट्स वर्ल्ड में कहाँ देखते हैं, चाहे वो ओलंपिक हो चाहे वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो? मैं ये कहूँगा कि आप पिछले 3-4 साल का जो रिकॉर्ड रहा है उसको देखें। ओलंपिक्स में हमारी एक कंसिस्टेंसी आई है जो डेफिनेटली अगले आने वाले ओलंपिक्स में आपको और बेहतर प्रदर्शन दिखाई देगा। सरकार द्वारा जिस तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, नौकरियाँ दी जा रही हैं, हम ये समझने लगे हैं कि अगर कोई खिलाड़ी विदेश में खेलने जाना है तो उसको उसी परिप्रेक्ष्य में हमें ट्रेनिंग देनी होगी, उसी तरह के उपकरण देने होंगे। हम उसको लग्जरी ना समझें कि इतना महंगा जूता हम क्यों दें, इतना अच्छा इक्विपमेंट क्यों दें। तो हम अगर लास्ट डे किसी को ट्रेनिंग इक्विपमेंट देते हैं कि आप तुम जाके वर्ल्ड चैम्पियनशिप में चले जाओ, बेहतर प्रदर्शन करो, तो ये बहुत मैं कहूँगा गलत तरह की सोच है। उसको उस तरह के उपकरण पर खेलने की और लगातार अपने आप को ईजी फील करने की ज़रूरत है, तब वो वहाँ जाके बेहतर प्रदर्शन कर दे रहा होगा। और जिस तरह का मैं ये कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जाने से पहले कंपटीशन के दौरान लौट पे आने पे, सफलता पे असफलता पे जिस तरह से उनका मनोबल बढ़ाते हैं, और ये जो रिकॉग्निशन है, एक मैं ये कहूँगा कि शायद हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये थी बात कि खिलाड़ी जो है या खेल में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पहले एक कहावत भी हुआ करती थी कि भाई खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे कूदो लिखोगे तो बनोगे नवाब, तो वो चीज़ें बदल रही हैं। और खेलों में नाम कमाना भी उतना ही प्रतिष्ठित हो गया है जितना कि हम और किसी पढ़े लिखे क्षेत्र में जिस तरह से नाम कमाते हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारे लोकल आइकॉन्स हैं, जैसे जैसे हम जिस खेल में हम लोग वर्ल्ड स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने लगते हैं, उसी खेल में हमारा मैं कहूँगा पार्टिसिपेशन भी बढ़ने लगता है और लेवल भी बढ़ने लगता है। एक नीरज चोपड़ा होने लगता है, सबको विश्वास हो जाता है कि हम भी कर सकते हैं। मैरी कॉम आती है तो एकाएक लाइन लग जाती है हमारे खिलाड़ियों की उसी खेल में जुड़ने की। तो इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं, और मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से अभिभावक अभी अपने बच्चों को खेल के मैदान पर लाने लगे हैं और बालिकाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने लगे हैं, उनको मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत सुनहरी भविष्य है खेलों में। और मैं ये भी कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रदर्शन अच्छा होना भी हमारी देश की इकोनॉमी और डेवलपमेंट को दर्शाता है। तो हम क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं तो खेलों में हमारा प्रदर्शन पीछे रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आपने सुना संजय सारस्वत जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी के, इन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, बच्चों को भी खेलो इंडिया के बारे में जानकारी मिली, पेरेंट्स को भी जानकारी मिली होगी। और मैं बता दूं संजय जी किसी समय आज से कुछ 25-30 साल इसी स्टेडियम में जो है वो नेशनल ब्लैक बेल्ट टूर्नामेंट खेलने आए थे और आज स्पोर्ट्स अथॉरिटी में इतने ऊंचे पद पे हैं। तो ये ताइक्वांडो के लिए भी और स्पोर्ट्स के जो प्लेयर हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत मोटिवेशनल है। तो बच्चों को पेरेंट्स जो हैं वो और मोटिवेट करें, और ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में जाके आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। संजय सारस्वत जी अपने आप में एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है, ऐसे कई एग्जाम्पल जो हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी में मौजूद हैं। संजय सारस्वत जी टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आपको बहुत-बहुत